चिकन के शौकीन हो तो आज ही ले आओ एवरीट स्पाइसेस का चिकन मसाला। अब चिकन बने मजेदार एवरीट के साथ। तो रुक करते हैं ठाकुरगंज के किशनगंज की ओर, जहां पीसीसी की ढलाई होने के बाद में लोगों में ग्रामीणों के अंदर काफी उत्साह पसंद था। आई नजर पंचायत के पंचायत समिति जनप्रतिनिधि रईस कैसर ने मीडिया से मुताबिक होकर कहा कि मैं हमारे पंचायत के भोला भाला जनता का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। लोगों ने मुझे भारी वोट देकर पंचायत समिति का प्रतिनिधि बनाया और मुझे प्रखंड मुख्यालय तक भेजने का काम किया। इसी के साथ ही मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि लोगों ने मुझे कुछ ही दिन में लोगों के पंचायत में फुल विकास का कार्य करने का प्रयास करता हूं। इसी को लेकर आपको बता दें कि बीते कई सालों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बरसात का मौसम में लगभग 800 मीटर की लंबाई पर लोगों को कीचड़ खींचकर ठाकुरगंज बरचुंदी मुख्य मार्ग पर लोगों को आना पड़ता था, लेकिन बगैर वादा किए वर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधि रईस कैसर ने जीतने के बाद बगैर बोले ही उन्होंने सबसे पहले इन लोगों की परेशानी को देखते हुए पीसीसी ढलाई का कार्य स्टार्ट किया। हमारे आवाज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपसे सवाल है कि आपके क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर अगर चले तो लगातार धराधर पर काम चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले आवाज़ 24 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इतना बड़ा न्यूज़ को प्रवेश किया है और हमारे क्षेत्र में जो विकास का कार्य चल रहा है उसको आप देखे भी हैं, उससे आप रूबरू हैं। हम हमेशा एक ही सोच रखते हैं कि जनता प्रतिनिधि का मालिक है, हम लोग उनका सेवक हैं। एक सेवक के रूप में जो हमको अपना क्षेत्र में काम करना चाहिए हमने किया और करेंगे। आखिर आपने ऐसा क्या काम किए हैं कि जब हमने वहाँ के कार्य निर्माण समय पहुँचा और तो वहाँ के लोगों ने जो है कि काफ़ी आपका तारीफ किया, आपने ऐसा क्या कार्य किए हैं? देखिए, तारीफ करने का एक ही वजह है कि हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 14 घेराबाड़ी, जो सबसे पिछड़ा वार्ड है विकास के मामले में, मेरा इलेक्शन के समय में जब हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था, मैं जब उस गांव में गया तो देखा कि यहाँ पर विकास की बहुत ज़रूरत है। तो हम मने मन आप एक तो सोच रखे थे कि अगर इन लोगों का आम जनता का सहयोग से और अल्लाह करम से अगर हमने इस पंचायत समिति चुनाव में अगर पूर्ण रूप से जीत जाते हैं और अल्लाह हमको कामयाब करता है तो सबसे पहले विकास और सबसे पहले इस सड़क का काम हम करेंगे, जो हमने किया। आज लोगों के दिल में काफ़ी खुशी है और उन लोगों के बीच में और भी प्रतिनिधि गए, उन लोगों ने वादा भी किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम एक ही सोच रखते हैं कि वादा करने वाला इंसान हमेशा झूठा होता है और कभी भी जनता के बीच में किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए। आपसे जो बन पड़ता है वो जनता के हित के लिए करना चाहिए और हम ये हमेशा करते हैं और करेंगे। आपका आने वाला वक्त में आपका सोच या आप जो है कि विकास के मामला पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि एक पंचायत समिति सदस्य आम जनता जितना उम्मीद रखते हैं उस पर 100% हम खरा उतरेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि पंचायत समिति का नाम एक यादगार नाम और इज्जत से लिया जाएगा। जिस तरह से पिछला समिति लोग हमारे क्षेत्र में कार्य किए हैं, लोग गाली देने का काम करते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये वादा करता हूं कि अगर हमारे बाद कोई भी समिति आएगा तो मेरा नाम को गर्व से